वर्तमान में एक पादरी के रूप में हेली रोड हिंदी एडवेंटिस्ट चर्च में सेवा करते हैं। इस समय में आपको अपने संदेश प्रस्तुत करने के लिए पास्टर आपको आमंत्रित करती हूँ। पास्टर, इस समय आपका है। जी, थैंक यू सिस्टर आपके इस इनविटेशन के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद ही है कि उसने हम सबको फिर एक बार जिलाया और हमें एक बार मौका दिया कि हम सब उसके सन्मुख आकर उसके नाम के धन्यवाद कर सकें, प्रार्थना कर सकें और उसके चंगाई की सेवकाई जो परमेश्वर आपको और मुझे दी है बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ उस सेवा को हम अपने जीवन में कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे जिंदा मेहरबान खुदावंद और खुदा, शुक्रिया अदा करते हैं आज के शाम के वक्त के लिए। बड़ी नम्रता के साथ हे पिता, हम आपके पाक हुजूरी में आते हैं और अपने जिंदगी, अपना परिवार, अपने कलीसिया और अपने प्रत्येक जन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, तू आज हमसे अपने आत्मा से बोले और बातचीत करें कि प्रभु हम आपकी आवाज, सिर्फ आपकी आवाज को सुन सकें और आपके में महसूस कर सकें। समय बहुत ही नजदीक चला आता आ रहा है। हे प्रभु, हमें प्रभु अगुवाई करें कि हम आपके बार जो होने वाले बन सके और आपके नाम के धन्यवाद कर सके। हमारे हर एक पाप अधर्म अपराधों को क्षमा करें, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। 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 मेरे आवाज सुनाई दे रहा आप लोगों को? बिल्कुल जी, थैंक यू। और आज हम आगे बढ़ेंगे कि मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहूंगा कि मेडिकल मिशनरी के कार्य कौन कर सकता है। जब इस बातों को हम सोचते हैं कि हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आता है कि जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, वो ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई फिजिशियन, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, तो भला मैं कैसे मेडिकल मिशनरी के कार्य जो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य चंगाई के सुसमाचार को लोगों तक ले जा सकता हूँ। ये बातें आपके और मेरे मन में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, हर एक परमेश्वर के जन जो परमेश्वर से मोहब्बत रखते हैं, एक नम्र जीवन जीते हैं और उनके दिल में परमेश्वर की सेवा के प्रति एक बोझ है और जो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किए और अंतिम दिनों की इस पैगाम को, इस बुलाहट को पहचानते हैं, तो वो प्रभु की इस सेवा को कर सकते हैं। तो इसीलिए मेडिकल मिशनरी होने के लिए, परमेश्वर के स्वास्थ्य संदेश को ले जाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को ले जाने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर होना है, लेकिन एक हम साधारण, एक विश्वासी, एक साधारण यानी कि प्रभु की बेटे बेटियां बनकर परमेश्वर की इस महान सेवा को हम कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर थे, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मिसाल है। प्रभु यीशु मसीह पूरे गलील में, पूरे सामरिया में, पूरे यहूदा प्रदेश में, पूरे नाजरत पे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर शहर जाकर जो लोग बीमार में पीड़ित थे, जो कमजोर थे, दुर्बलताओं में थे, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह में यानी कि आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह उनके शारीरिक जीवन में भी चंगाई दी। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर की लोग, परमेश्वर की जन जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए इस अंतिम दिनों में, जब परमेश्वर की सुसमाचार के लिए सारे दरवाजा बंद हो जाएंगे, तो हमारे पास एक ही माध्यम, एक ही जरिया रह जाएगा, जो हम स्वास्थ्य शिक्षा
और स्वास्थ्य चंगाई की पैगाम को उन लोगों तक ले जा सकते हैं जो बीमार है, जो परेशान है, जो दुखी है। खुदा की कलाम कहता है कि अगर कोई दुखी है तो स्तुति के भजन करे, स्तुति गान करे। अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए कि उसके लिए वो प्रार्थना करें, उसके लिए तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई पाप भी क्या हो उसकी क्षमा होगी और प्रभु उसको उठकर खड़ा करेगा और वो चंगा हो जाएगा। यह हमारा विश्वास है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस महान सेवकाई में एक मिसाल है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी का एक मिसाल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में, जैसे प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ों को देखते थे उन पे तरस खाते थे, जब लोगों को देखते थे उन पे प्रेम से भर जाते थे। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मैं लोगों की जिंदगी को जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नजरिया से देखें, उस तरस भरा नयन से देखें, उस प्रेम से भरा हुआ दिल से, यानी कि उन लोगों की जिंदगी को देखें, ताकि आपके जरिए से परमेश्वर उन लोगों को स्पर्श करना चाहता है, आपके जरिए से परमेश्वर उनको चंगाई देना चाहता है, आपके जरिए से परमेश्वर उनके आत्मिक और शारीरिक जीवन में एक आत्मिक चंगाई को ले आना चाहता है। तीन स्वर्गदूत के संदेश में हम पाते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा जो आकाश के बीचों बीच उड़ते हुए देखा। उसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए परमेश्वर की ओर से ये पैगाम है अंतिम दिनों के लिए कि परमेश्वर के सनातन सुसमाचार को लेकर हम हर कुल, जाति और भाषा और लोगों के पास जा सके। मेरे अजीजों, कि हम देखते हैं कि इस दुनिया की ओर एक झलक, इस दुनिया की अगर अगर हम देखें, कोई ऐसा परिवार नहीं रह गया जो, कोई ऐसे जन नहीं रह गया जो किसी किसी बीमारी से, चारों तरफ बीमारी और क्लेश और दुख और मातम और मौत और परेशानियां और तंगी और डर, यानी कि इंसान आज डरा हुआ है, इंसान आज परेशान है, इंसान आज एक पुकार कि मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा, मुझे कौन जीवन देगा। मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस डेस्परेट सिचुएशन में हमारा केवल एक ही आशा और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शिफा देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। उसके कलाम में हम पढ़ते हैं निर्गमन उसके 15:26 में, यदि तू परमेश्वर की वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सारी विधियों और नियमों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उन पर मैं एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद देते हैं कि एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर की वचन को तन मन से सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को कान लगाकर सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की विधियों को अपने जीवन में पालन करते हैं, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं? अगर हम उसकी दृष्टि के अनुसार जीवन नहीं बिताते, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसके नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके विधियों को नहीं मानते, तो परमेश्वर की संगाई के कार्य आप और मैं अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जो डिजीज यानी कि बीमारी, इसकी कुछ बातें कि बीमारी, आज जो लोग बीमारी में ग्रसित है, पीड़ित है, बीमारी से नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, यानी कि मौत हो रही है, ये क्या कारण है, डिजीज क्या है, इसके कई बातों का
क्लासिफिकेशन मैंने किया और इसमें हम देखते हैं कि दिस इज डिजीज डिसऑर्डर यानी कि गड़बड़ी। अगर हमारे शरीर में हम इजी फील नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी महसूस हो रहा है, शारीरिक गड़बड़ियां, मानसिक गड़बड़ियां यानी कि डिसएबिलिटी यानी कि हम यानी कि अपाहिज हो जाना, अपांग हो जाना यानी कि डिसकंफर्ट, परेशान यानी कि मन में यानी कि टूट जाना, ब्रोकन हार्टेड यानी कि हमारा मन चकनाचूर हो जाना, ये ऑल जो डिसऑर्डर है इसे हम डिजीज कहते हैं या बीमारी कहते हैं। और ये डिजीज बहुत विकटाल यानी कि एक विराट रूप तब लेता है जब हम अपने लाइफस्टाइल यानी कि अपने जीवन शैली, हमारे डाइटरी सिस्टम्स, खान पान या जो आहार हम लेते हैं, जिस परिवेश वातावरण और जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं। इसीलिए एलन जी व्हाइट के जरिए से परमेश्वर ने न्यू स्टार्ट, एक डिवाइन प्रिंसिपल्स, एक ईश्वरीय सिद्धांत आप और मुझे दिया, न्यू स्टार्ट। और आज के समय में उसके साथ न्यू स्टार्ट गिफ्ट्स यानी कि एक नई शुरुआत जिंदगी का और परमेश्वर की वरदान हमारे जीवन के लिए, अंतिम दिनों के लिए जो अनमोल सेहत है यानी कि अनमोल हेल्थ जो परमेश्वर आप और मुझे देना चाहता है, उस अनमोल जिंदगी और सेहतमंद और अच्छे स्वास्थ्य में यानी कि भला चंगा रहकर परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा करने के लिए मेरे अजीजों एलन जी व्हाइट के जरिए से दी हुई न्यू स्टार्ट गिफ्ट्स को हमें अपने जीवन में लागू करना है। यानी कि न्यू स्टार्ट्स जब हम देखते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि एक पौष्टिक आहार यानी कि हमें संतुलित आहार हमें मिले, एक्सरसाइज यानी कि नियमित रूप से हम व्यायाम करें, कम से कम मॉर्निंग 15 मिनट, शाम को 15 मिनट हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं यानी कि साधारण एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी यानी कि जल जो है आपके और मेरे जीवन के लिए यानी कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए यानी कि एक प्योर वाटर यानी कि एक साफ पानी, अगर साफ पानी नहीं भी है उसे वार्म करें, गर्म करें, उसे छान कर पानी को पिए, क्योंकि हमारे शरीर में 75% करीब पानी है मेरे भाई और बहनों। तो इसीलिए हमें पानी प्रचुर मात्रा की जरूरत है, करीब करीब 10 से 12 ग्लास रोज हम पानी अपने जिंदगी में ले। यानी कि हम देखते हैं कि सनशाइन यानी कि सूरज की किरणें, भोर को हम उठे नहाएं और हम सूरज की किरणें यानी कि सनबाथ जो है, सूरज की जो उदय हो रहे वो किरणें हमारे शरीर में जब लगती है तो बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर से। हम देखते हैं कि टेम्परेंस जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, संयम नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हम पापों में, अधर्मों में, अपराध में गिर जाते हैं और असंयम की जिंदगी जीते हैं। हमें फ्रेश एयर की जरूरत है यानी कि एक ताजी हवा। हम देखते हैं कि पोल्यूटेड वर्ल्ड में कहीं पे भी हमें ताजी हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों हो सके तो नियोबाय कोई पार्क हो, गार्डन हो, तो हम सुबह जाएं, प्रेयरफुली प्रार्थना करें, मॉर्निंग वॉक करें प्रेयर के साथ और हम यानी कि उस ताजी हवा को यानी कि हम सांसें लें ताकि हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन आए और हमारे यानी कि लंग्स और हमारे गुर्दे फेफड़े प्रॉपरली फंक्शनिंग हो, ब्लड सर्कुलेशन हो हम और शरीर में ताजगी और चंगाई को हम महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं रेस्ट यानी कि आराम, शरीर के लिए आराम की भी बहुत जरूरत है।
आज लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि सावत की विश्राम को भी भूल गए। उनके लिए यानी कि सावत की विश्राम नहीं है, कोई यानी कि परमेश्वर के सावत को याद नहीं करते और दिन रात अपने पेट के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए दिन रात। बट वी नीड टू हैव प्रॉपर रेस्ट। जब तक हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा, खुदाबंद के कलाम भजन संहिता 127 में हम पढ़ते हैं कि वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। मेरे अजीजों, हम सुख की नींद सो सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसकी जीवन को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की कुछ बातों को अगर हम देखेंगे, बिब्लिकल काउंसिल क्या कहते हैं, क्या बतलाता है इस बातों को, अगर हम देखते हैं कि इस जगत पे गुनाह यानी कि सिन, पाप आने से पहले परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। उत्पत्ति 1:29 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हारे आहार के लिए, यानी कि मैं तुम्हें छोटे छोटे पौधे जिस फल में यानी कि बीज है, छोटे छोटे पौधे और फल तुम्हारे खाने के लिए मैं तुम्हारे लिए आहार है। उसके बाद हम उत्पत्ति 3:18 में देखते हैं कि गुनाह के बाद भी परमेश्वर ने कहा, एंड थाउ शैल ईट द हर्ब ऑफ द फील्ड, यानी कि जमीन से जो अनाज, जो साग पात उगेगा वो तुम्हारे लिए आहार होगा। यानी कि जल प्रलय आफ्टर द फ्लड हम देखते हैं, एवरी मूविंग थिंग दैट लिव्स शैल बी फूड फॉर यू, but place with life thereof which blood therefore shall ye not eat। लेकिन परमेश्वर ने यानी कि वो बाढ़ फ्लड आने के बाद मनुष्य के लिए आज्ञा दिया कि तुम सब यानी कि जो जीव जंतु जो चलते हैं उसे खा सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था में हमें आज्ञा दिया कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। और स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने कहा कि लहू और मांस को तुम एक साथ नहीं खा सकते हो, क्योंकि लहू में जीवन है। और आज लोग परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं मान रहे। आफ्टर द एक्सोडस ये सऊदिया को बी होली फॉर आई एम होली, दिस इज द लॉ ऑफ द बीस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द अनक्लीन एंड द क्लीन। ले व्यवस्था 11:45 और 47 में देखते हैं कि यानी कि शुद्ध और अशुद्ध को हमें फर्क जानना है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। और अशुद्ध जो चीजें हमें नहीं खाना है, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है और परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसे हमें खाना है। इसलिए मेरे वजहों जो पौष्टिक आहार ना होने के कारण लोग कुपोषण की, मल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारी में ग्रसित होते हैं। में एलएनजी व्हाइट उसमें कहा जाता है कि बार बार परमेश्वर ने उनको दिखाया, बार बार परमेश्वर ने उनको दिखाया कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीढ़ी से सीढ़ी यानी कि कदम से कदम परमेश्वर हम सब को अपना ओरिजिनल डिजाइन की ओर ले चलता है। अपना मुख्य ढांचा जो परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया था, उसके खान पान के लिए उसके ओर परमेश्वर हमें ले चलता है। और परमेश्वर यानी कि कहता है कि अंतिम दिनों में यानी कि सारे बीमारियां, सारे रोग यानी कि फ्लेशी मीट से यानी कि मांस से होगा और लोग यानी कि बीमार में ग्रसित होंगे। इसलिए जो हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरे रहमत को जानने वाले लोग परमेश्वर की स्वास्थ्य शिक्षा और परमेश्वर की स्वास्थ्य का ईश्वरीय संदेश को अपने जीवन में लें। और इसे हम पाते हैं काउंसिल ऑन डाइट एंड फूड्स पेज नंबर 300, यानी कि काउंसिल ऑन डाइट एंड फ्रूट्स पेज 380 एंड 381 में हम देखते हैं। इसलिए मेरे वजह
सेहत मंद होने के लिए पौष्टिक आहार परमेश्वर की आत्मिक सिद्धांत के अनुसार हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से मैं एक मिनट में आप लोगों के सामने लेना चाहूंगा कि प्योर वेजिटेरियन यानी कि आपको और मुझे बहुत सी बीमारियों से यानी कि बचा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्योर वेजिटेरियन है वो कभी बीमार नहीं होते हैं, पर इट्स कमांड्स ऑफ गॉड कि परमेश्वर की आज्ञाओं का यानी कि पालन करने की बड़ा प्रतिफल हमें जिंदगी और एक सेहतमंद जिंदगी आत्मिक जिंदगी परमेश्वर देता है। इसलिए मेरे अजीजों इस बातों के लिए अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे जब बेबिलोनियन किंगडम में बाबुल में यानी कि डेनियल सद्रक मेसक अबेदनगो उनको परखने के लिए 10 दिन तक उनको साग पात दी गई है और 10 दिन के बाद जब जांचा गया तो जितने लोग जो कसदियों में से थे उनमें से जितने नौजवान राजकुमार थे सबसे ज्यादा यानी कि सद्रक मेसक अबेदनगो और डेनियल के चेहरे में परमेश्वर की रोशनी चमक रहा था। इसलिए मेरे अजीजों परमेश्वर की ये अलौकिक सिद्धांत है, एक डिवाइन परमेश्वर की स्वास्थ्य नियम में डाइट यानी कि बिल्कुल शाकाहारी भोजन अपने जीवन में प्रेफरेंस दें ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में भले चंगा होकर परमेश्वर की उस पैगाम को उन लोगों तक ले जा सके जो अपने आत्मा में शरीर में बीमार है। मेरे अजीजों कि हमारे जो खाने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि जब एक बार हम खाना खाते हैं उसके 4-5 घंटे के बाद हमें दूसरा यानी कि भोजन करना है और ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह जैसा करें, दोपहर का भोजन एक राजकुमार के जैसे करें और डिनर यानी कि एक साधु के जैसे करें यानी कि साधु लोग सूरज ढलने से पहले यानी कि अपने डिनर की तैयारी करते थे और डिनर कर लेते थे। मेरे अजीजों ये कोई कुछ हमारा हेल्थ ट्रिप्स है जो हम एलएनजी वाइट के जरिए से पाते हैं यानी कि बिब्लिकल काउंसलिंग पे। मेरे अजीजों एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बहुत जरूरी है यानी कि मेंटल एफर्ट विदाउट कोरस्पोंडिंग फिजिकल एक्सरसाइज सेल्स ऑन अनयूज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने शरीर का एक्सरसाइज नहीं करते हैं काम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर में जो खून का संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और हमारा खून की संचालित होने में असंतुलित होता है और हमारे ब्रेन तक तो खून प्रॉपर तरीके से संचालित ना होने के कारण बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में हमारे मानसिक जीवन में हमारे शारीरिक जीवन में पैदा होता है और हम बीमार होते। तो तीन प्रकार के एक्सरसाइज हम देख सकते हैं। इंड्योरेंस यानी कि हम धीरज के साथ काम करें परिश्रम करें और एक्सरसाइज में हम देखें वॉकिंग चलना दौड़ना यानी कि तैरना और इस प्रकार हम यानी कि अपने लंग्स को अच्छे रखने के लिए हम परमेश्वर के लिए यानी कि इस प्रकार अपने जीवन को सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज का हम करें। और जैसे मैंने बताया था पानी यानी कि जो जल है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और क्लीन वाटर हम प्रत्येक दिन 10 से 11 ग्लास लें ताकि एक अच्छा हमारे शरीर का प्यूरिफिकेशन हो सके और हमारे शरीर में जो हाई टेम्परेचर है इनएफिशिएंटी क्लीयरेंस ऑफ बॉडी वेस्ट है जो विकार जो यानी कि हमारे पैजनियस जो शरीर में चीजें हैं वो निकल सकता है। थिकर ब्लड यानी कि जो खून मोटा वो पतला है कब्जियत है उससे हम बच सकते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में कई प्रकार की जो बीमारी लग जाती है हेडेक बॉडी पेन और किडनी में स्टोन्स ये सारी चीजों से हम प्योर वाटर को लेने से बच सकते हैं। मेरे अजीजों इस तरीके से सनशाइन यानी कि सूरज की किरणें और एलएनजी वाई बिब्लिकल काउंसलिंग में कहती है कि परफेक्ट क्लीननेस
plenty of sunlight, careful attention to sanitation in every details of home life. हमारे पारिवारिक जीवन में यानी कि परमेश्वर की उस क्लीननेस को, उस ताजगी को, उस सूर्य की रोशनी से जो हमें मिलता है, बड़ी सावधानी पूर्वक यानी कि हम दृष्टि लगाएं और प्रत्येक परिवार को ऐसे खिड़की को खोले रखें ताकि ताजी हवा और सूरज की किरणें घर तक पहुंचे, आपके शरीर में लगे, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग पेज नंबर 276 में हम देखते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, सूरज की किरणें आपके और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। बिब्लिकल काउंसलिंग में हम देखते हैं टेम्परेंस के बारे में, यानी कि मेरे अजीजों, बाय प्रैक्टिसिंग यानी कि संयम, यानी कि खाने में भी हमें संयम रखना है, हमारे डाइटरी सिस्टम में भी हमें संयम रखना है, यानी कि ओवर ईटिंग, बार बार खाए जा रहे हैं, जो मार्केट में जंक फूड जो मिल रहा वो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ऑयली चीज खा रहे हैं, तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें संयम रखना है। और एलन जी इस बात को बड़े गहराई से कहते हैं कि हमें बड़े सावधानी पूर्वक अपने जीवन को नियंत्रण करना है, नहीं तो कहा जाता है इनटेम्परेंस लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल द इविल इन आवर वर्ल्ड, नहीं तो फिर असहम होने के कारण हर प्रकार की बुराइयों से शैतान आपके और मेरे जीवन में दुख और दर्द और बीमारी को ले आ सकता है। आखिर मैं करना चाहूंगा कि गिफ्ट्स यानी कि ग्रेटिट्यूड, बाकी मैं कुछ बातों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। गिफ्ट्स बहुत जरूरी है, यानी कि एक कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद ही हृदय परमेश्वर की, इन एवरीथिंग गिव्स थैंक्स, हर बातों के लिए परमेश्वर की हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति गान करें, शुक्रिया अदा करें कि खुदावन तूने मुझे जिंदगी बख्श दी है, तूने मुझे अच्छे सेहत दी है, यानी कि अपने दिलों में प्रफुल्लित होकर चीयरफुलनेस, थैंकफुलनेस यानी कि कृतज्ञता धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के नाम के धन्यवाद दे सके, को कर सके, उत्साह कर सके कि महिमा कर सके। इसलिए कहा गया कि ऑलवेज बिगिन योर प्रेयर्स विद ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता के साथ आपका प्रार्थना को शुरुआत करें, यानी कि अपने जीवन में यानी कि परमेश्वर के द्वारा दी हुई उस कृतज्ञता धन्यवाद हृदय, छोटे छोटे बातों में अपने परिवार के साथ, दूसरों के साथ कृतज्ञता को आप दूसरों के सामने रखें, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत आशीष दे सके। GIFTS गिफ्ट्स, आई इंटीग्रिटी यानी कि एक ऐसे ईमानदार विश्वास योग्य जिंदगी, यानी कि घनिष्ठता परमेश्वर के साथ, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहें, उसके वचनों में लिपटे रहें, वचनों में बने रहें, उसके आज्ञाओं का गले का हार बनाएं, उसके शिक्षा के अनुसार चलें, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसे इंटीग्रिटी, ऐसे एक यानी कि व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ, एक पवित्र जीवन हो आपका, जिसे हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी। कि सच में मेरे अजीजों, आप और मैं जब परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञा को अपने जीवन में आदर देते हैं, परमेश्वर के लिए एक ईमानदार जीवन जीते हैं, अपने जीवन शैली में, अपने खान पान में, अपने प्रार्थना के जीवन में, तब हमारे शरीर के हरेक पार्ट्स परमेश्वर के लिए सच्चाई को जानते हुए ऐसे फंक्शनिंग होगा कि हम परमेश्वर में होकर एक अनमोल जीवन, जो खुशी का जीवन जी सकेंगे, यानी कि एक निरोग जीवन, यानी कि एक बीमार रहित जीवन हम जी पाएंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, दो मिनट में लेकर अंत करना चाहूंगा। फैमिली फ्रेंड्स, खुदा की कलाम में हम पाते हैं 10 कमांडमेंट्स में कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन मेरे अजीजों, आप जानते हैं मीका में कहा गया अंतिम दिनों में
बेटी माँ के विरुद्ध में खड़ी होगी, बेटा बाप के विरुद्ध में खड़ा होगा। पति के लिए कहा गया, जब तू अपने अर्धांगिन से बोलता संभल कर बोलना, अपने परम मित्र पर विश्वास ना रखे। मेरे अजीजों, अंतिम दिनों में ऐसा समय आ रहा है, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि बिब्लिकल काउंसिल में हम पाते हैं कि द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, द सक्सेस ऑफ द चर्च, द प्रोस्पेरिटी अपॉन होम इन्फ्लुएंसेस, कि एक अच्छा समाज का निर्माण करना, एक सफलता प्रभु की आत्मा में भरा हुआ कलीसिया, एक समृद्धिशाली देश, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिवार, किस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं परिवार में और समाज में। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टी में ट्रेनिंग थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर हम सीखते रहे अपने जीवन में। नीति वचन 3:1-2 में भी अगर हम पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को ना भूलना, इसे अपने गले का हार बनाना और इसे दिन और रात मनन करना, तो तू कुशल से रहेगा और तेरा भला होगा। इसलिए मेरे अजीजों, जीवन भर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके नियमों को, उसके आहार की नियम जो सैद्धांतिक रूप में आत्मिक रूप में परमेश्वर आपको और मुझे दिया, इसे अपने जीवन में हम लिख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैन एक्चुअली लेंथ आवर लाइफ। अगर हम जीवन भर परमेश्वर की वचन को सीखते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको और मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाएगा। हम देखते हैं कि एस में स्टेवर्डशिप एंड की गिफ्ट्स, लास्ट स्टेवर्डशिप यानी कि एक अच्छे भंडारी पर, यानी कि एक अच्छे भंडारी के रूप में जो परमेश्वर हमें परिवार दिया, परमेश्वर हमें सेवा दिया, परमेश्वर हमें कार्य दिया, परमेश्वर हर एक कार्य को एक सच्चे भंडारी के रूप में करने के लिए आप और मुझे आज्ञा देता है। इसीलिए एक सच्चे भंडारी के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर आप और मुझे एक अच्छे आदरणीय सच्चे भले भंडारी के रूप में नियुक्त करता है कि हम अपने स्वामी अपने मालिक के लिए वफादार होके उसके भंडारीपन का कार्य हम विश्वास योग्य के साथ कर सके। एंजॉय डूइंग व्हाट एंजल्स कांट, बीइंग अ मेडिकल मिशनरी लाइक क्राइस्ट वाज। जो स्वर्गदूत नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर और स्वर्गदूतों से भी बढ़कर आप और मुझे एक ऐसा यानी कि एवांजेलिस्ट या एवांजेलो बनाया कि हम परमेश्वर के चिकित्सक यानी कि स्वास्थ्य चंगाई की सेवकाई को और स्वास्थ्य शिक्षा को हर लोगों तक हम ले जा सके। One day soon we will look up and see Jesus coming back to earth on that cloud. मेघों पर बादलों हम देखेंगे आते हुए अपने दूसरे देखेंगे कि ये हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो हमें उद्धार करेगा। इसीलिए न्यू स्टार्ट गिव्स विल हेल्प हिज बॉडी इन इंडिया टू प्रिपेयर फॉर द ट्रेंच। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मैं इस डिवाइन कॉलिंग एक स्वर्गीय बुलाहट को अपने जीवन में ले, स्वास्थ्य समाचार की सेवकाई, स्वास्थ्य शिक्षा की सेवकाई और न्यू स्टार्ट गिव्स को अपने जिंदगी में ले और दूसरों को मदद करें, मसीह कलीसिया को मदद करें, ताकि भारतवर्ष में और पूरे विश्व में ऐसे एक तैयारी हम कर सके उस महान दिन के लिए और सब लोगों को तैयार कर सके और आत्मिक शारीरिक और मानसिक और आर्थिक सामाजिक रूप में हम परमेश्वर की दृष्टि में भले चंगे होकर परमेश्वर की जो 3 स्वर्गदूत की वाणी आपको मुझे दिया गया इस अंतिम दिनों में हर कुल जाति भाषा लोगों को सुना सके। प्रभु में बड़ी आशीष थे। आमीन आमीन। हम महसूस करते हैं आपके प्रेम आपकी दया के लिए और प्रभु आज हम जिंदा है जीवित है। हे पिता आपके नाम के धन्यवाद देते,
जबकि प्रभु हम इस योग्य नहीं है, पापी और गुनेगार है। बार बार प्रभु आपके नियमों को टाल देते हैं, बार बार आपके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, बार बार आपके पवित्र उपस्थिति में दूर चल जाते हैं। फिर भी हे प्रभु, तो दया का सागर हमसे प्रेम करता प्रभु, प्रेम के खातिर अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए महान परमेश्वर पिता, तू जो दया का सागर, आपके नाम के धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो हम जुड़े हुए प्रभु इस जूम के माध्यम से, एक एक जन उनके परिवार जिंदगी को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते। कोई पेंडेमिक कोरोना वायरस किसी जन को छूने ना पाए, इनके घर के चौखाट पे तेरे लहू को लगाते। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी की आत्मा को डांटते हैं कि हमारे देश से दूर हो सके, हमारे लोगों से दूर हो सके, और प्रभु जी हम एक ऐसा प्रभु जी जीवन हम जी सके, तेरा दिया हुआ भरपूरी का जीवन, बहुत आयत का जीवन। मेरे पिता, हमारे पाप गुनाह को माफ कर दीजिए हे प्रभु। फिर एक बार आज की इस पूरे प्रार्थना सभा को और एक एक जन को, खास करके सिस्टर कृष्णा और उनके टीम को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।